रामू बहुत गरीब था। वो अपनी बेटी दिशा और अपनी बीवी तारा के साथ रहा करता था। रामू अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहता था, लेकिन गरीब होने की वजह से वो अपनी बेटी को कभी स्कूल नहीं भेज पाता। रामू अपने घर की आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए मजदूरों की तरह खेतों में काम किया करता। उसे जो भी छोटा मोटा काम मिलता वो उसे करके अपने दो वक्त के खाने का इंतजाम कर लिया करता। ऐसे ही एक रोज रामू खेती करके घर आता है, तभी उसकी बेटी बोलती है, पिताजी आप आ गए, मेरे लिए क्या लेकर आए? अपने पिताजी को माफ करना बेटी, पर आज भी तेरे पिताजी तेरे लिए कुछ नहीं ला पाए। पर मैं तुझसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इतना बोलकर रामू अपनी आज की दिहाड़ी अपनी बीवी के हाथ में थमा देता है। अब हमेशा की तरह सुबह होते ही रामू काम के लिए निकल जाता है और आज भी उसे खेत में एक छोटा मोटा काम मिल जाता है। शाम को अपना काम करके रामू घर जा रहा होता है, तभी एक व्यक्ति अपने हाथों में सुनहरी मुर्गी लेकर आता है और रामू से बोलता है, भाई मेरा एक छोटा सा काम करोगे? कैसा काम साहब? ये मेरी सुनहरी मुर्गी है, मैं इसे अपने दोस्त के घर ले जा रहा था उसे गिफ्ट करने के लिए, परंतु अचानक से मेरे घर से फोन आ गया। मुझे पता चला कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, जिस वजह से मुझे घर वापस जाना पड़ रहा है, परंतु आज मेरे दोस्त का बर्थडे है तो मुझे ये मुर्गी उसे गिफ्ट करनी है। अगर तुम ये सुनहरी मुर्गी मेरे दोस्त को दे आओगे तो मैं बदले में तुम्हें इसके पैसे दूंगा। पैसे का नाम सुनकर रामू खुश हो जाता है और उस आदमी से बोलता है, ठीक है साहब आपका काम हो जाएगा, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। ठीक है मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, परंतु कल सुबह 10 बजे तुम मुझे इसी जगह पर मिलना। मैं अभी तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता, परंतु कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। इतना बोलकर वो आदमी रामू को वो सुनहरी मुर्गी देकर वहाँ से चला जाता है। रामू उस सुनहरी मुर्गी को लेकर चलने लगता है, तभी रास्ते में उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, तुम अच्छे इंसान लगते हो, प्लीज मुझे उस पते पर मत छोड़ो, मुझे अपने पास रख लो और जिस आदमी ने तुम्हें मुझे सौंपा है उससे झूठ बोल दो कि मैं खो गई हूँ। अरे ये आवाज़ कैसी है जो मुझसे बात कर रही है, पर मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? ये मैं हूँ रामू, तुम्हारे हाथों में सुनहरी मुर्गी, मुझे देखो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब रामू मुर्गी की तरफ देखता है और उससे बोलता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तुम तो एक मुर्गी हो और एक मुर्गी भला इंसान से कैसे बात कर सकती है? वैसे तुम देखने में भी बहुत अजीब हो, मैंने आज से पहले सुनहरी मुर्गी कभी नहीं देखी। हाँ क्योंकि मैं कोई साधारण मुर्गी नहीं बल्कि एक जादुई मुर्गी हूँ। देखो प्लीज तुम मुझे उस आदमी के हाथों मत सौंपो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा, वो लोग बहुत लालची हैं। अगर मैंने तुम्हें बताए हुए पते पर नहीं छोड़ा तो वो आदमी मेरी जान ले लेगा। इतना बोलकर रामू सुनहरी मुर्गी की तरफ देखता है और कुछ देर सोचने के बाद सुनहरी मुर्गी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और बोलता है, सुनहरी मुर्गी तुम फिक्र मत करो, अब से तुम मेरे पास ही रहोगी। कल सुबह जाकर मैं उस आदमी से बोल दूंगा कि जब मैं तुम्हें लेकर जा रहा था तब तुम भाग गई। वैसे यहाँ मेरे अलावा मेरी बीवी और मेरी बेटी रहती है। पिताजी इस मुर्गी से क्यों बात कर रहे हो आप? वो इसलिए बेटा क्योंकि ये मुर्गी बोलती है। ये सुनते ही तारा और दिशा दोनों हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद तारा रामू से बोलती है, आप ये क्या कह रहे हैं, ये मुर्गी बोलती है? वैसे ये मुर्गी दिखने में काफी अद्भुत है, ऐसी मुर्गी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। हाँ क्योंकि मैं एक जादुई मुर्गी हूँ, मैं पहले एक तपस्वी बाबा के पास थी, उन्होंने अपनी तपस्या से मुझे सुनहरे रंग का बनाया और मेरे अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ डाल दी, परंतु समय के साथ उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद मरने से पहले उन्होंने अपनी जान मुझ में डाल दी और मैं एक सुनहरी जादुई मुर्गी में तब्दील हो गई। परंतु मैं इस दुनिया की दुष्टता से अनजान थी, मैं इसी तरह से जंगल में घूम रही थी, तभी एक आदमी की नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे उठा लिया, परंतु मैंने उसका भाला चाहा और रोज उसे एक सोने का अंडा देने लगी,
परंतु उसका लालच इतना बढ़ गया कि मैंने उसको सोने का अंडा देना बंद कर दिया ताकि उसकी अकल ठिकाने आ सके। परंतु उसके बाद मुझे उसने एक कसाई के हाथों बेच दिया और रामू को सौंप दिया कि वो मुझे कसाई तक ले जाए ताकि वो मुझे मार सके। अगर ऐसा है जादुई मुर्गी तो तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम अब हमारे घर में हो। अब हमेशा हम साथ रहेंगे जादुई मुर्गी। अब इस तरह से दिशा उस मुर्गी के साथ खेलने लगती है जिसके बाद तारा अकेले में रामू से बोलती है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि इस मुर्गी की जान बचाने के लिए आप इस मुर्गी को इस घर में ले आए। लेकिन आज हम खाएंगे क्या? घर में अनाज नहीं है और ना ही पैसे जो मैं बाजार से राशन ला सकूं। तारा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम यहीं रुकना, मैं कहीं से उधार राशन लेकर आता हूँ और जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं वो पैसे चुका दूंगा। इतना बोलकर रामू वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो मुर्गी रामू का रास्ता रोक लेती है और उसे एक सोने का अंडा और बीज देकर उससे बोलती है, रामू तुम और तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई, इसीलिए ये सोने का अंडा तुम रख लो और इस बीज को अपने घर के बाहर लगा देना। खेती करना, तब तक तुम इस बीज की खेती करोगे तुम्हें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। परंतु फिलहाल के लिए तुम पहले इस सोने के अंडे को बेच दो ताकि उनसे मिले पैसों से तुम अपने बीवी बच्चों का पेट भर सको। जादू सुनहरी मुर्गी के बोलने पर रामू बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो उसे सोने के अंडे को लेकर मार्केट में बेच आता है और घर के कुछ राशन ले आता है और घर आकर अपनी बीवी के साथ मिलकर खेती करता है। और अगली सुबह होते ही वह उसी आदमी से मिलने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो आदमी पहले से ही रामू का इंतजार कर रहा होता है। रामू जैसे ही उसके पास पहुंचता है वो आदमी रामू से बोलता है, क्यों भाई मेरा काम हुआ या नहीं? माफ करना भाई साहब, पर मैं आपका ये छोटा सा काम नहीं कर सका। मैं जब उस मुर्गी को लेकर अपने साथ जा रहा था तभी मेरे सामने एक खतरनाक सांप आ गया और मेरे हाथ से वो मुर्गी छूट गई। उसके बाद मैंने उस मुर्गी को बहुत ढूंढा परंतु वो मुर्गी मुझे कहीं नहीं मिली। रामू की बात सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो आदमी रामू को पीट कर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर रामू जब अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसने जिस बीज की खेती करी थी उस जमीन पर बहुत सारी सुनहरी मुर्गियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं। ये देख रामू बहुत हैरान होता है और तभी वो जादुई सुनहरी मुर्गी रामू के पास आती है और उसके चोटों को अपनी जादुई शक्तियों से ठीक करके रामू से बोलती है, रामू तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए अब तुम्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुमने लालच किया तो मैं तुमसे भी दूर चली जाऊंगी। अब मैं और क्या लालच करूंगा? बिना मांगे तुमने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। मैंने रात को जो खेती करी थी वो सुनहरी मुर्गी की खेती हुई, वो भी रातों रात। ये देखकर तो मैं अचंभित रह गया और तुमने मेरी चोट भी ठीक कर दी। इन सुनहरी मुर्गियों को यदि मैं सुनार के पास जाकर बेचूंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, इतने पैसे कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूंगा। मेरे सारे सपने पूरे कर दिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद रामू अपने सभी सपने पूरे करता है और अपनी बेटी को एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है और वो सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। गरीब का जादुई सोने का हवाई जहाज। मीनल और सोनाली सगी बहनें होती हैं। मीनल की शादी गांव के गरीब लड़के रमेश से हो जाती है। उसका पति अपने हाथों से लकड़ी के खिलौने बनाने और बेचने का काम करता था और सोनाली का पति सुरेश उसी गांव में जमींदार का बेटा होता है। मीनल का पति रमेश बहुत ही खुदगर्ज और मेहनती होता है और सोनाली का पति सुरेश बिल्कुल निकम्मा और कामचोर होता है। एक दिन सोनाली मीनल के घर जाती है। अरे सोनाली, तुम आओ ना बैठो, कितने दिनों बाद आज तुम मेरे घर आई हो। मैं इस झोपड़े में बैठने नहीं आई हूँ, बाहर मेरी एसी वाली कार खड़ी है, यहाँ कितनी गर्मी है। अच्छा हुआ बता दिया, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता। तुम तो रईस घराने की बहू हो, तुम्हें मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी में कैसे बिठा सकती हूँ। मैं तो तुम्हें यहाँ न्योता देने आई थी, मेरे घर पर पार्टी है,
तुम और तुम्हारे खिलौने बनाने वाला पति आना चाहो तो आ जाना। मैं अपने पति को बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। मुझे तुम्हारे घर पर कोई पार्टी में नहीं आना है। मेरी गलती है, मैं बेकार में तुम्हारे यहाँ न्योता देने चली आई। सोनाली वहाँ से पैर पटक के जाने लगती है। तभी वहाँ रमेश अपने खिलौने बेचने का ठेला लेकर आ जाता है, लेकिन सोनाली उसे बिना देखे वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। वो तो सोनाली थी ना, इतने गुस्से में यहाँ से क्यों जा रही थी? वो अपने आप को समझती क्या है, उसका पति पूरी तरह से निकम्मा है, फिर भी उसे इतना घमंड है। अभी वो नादान है, उसे ज्यादा दुनियादारी की समझ नहीं है। पता नहीं क्यों ये हमेशा हमारी बेइज्जती करने के लिए आ जाती है। मुझे नहीं जाना उसकी किसी पार्टी में। तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, पूरे गांव में उसकी बदनामी होगी। आखिर वो है तो तुम्हारी छोटी बहन ना। मीनल ना चाहते हुए भी रमेश के जोर करने पर सोनाली की पार्टी में चली जाती है। सोनाली एकदम टिप टॉप चमकदार कपड़े पहने हुए होती है और मीनल एकदम सिंपल सादी साड़ी में होती है। मुझे लगा तुम नहीं आओगी, वैसे आ ही गई हो तो खाना खाकर जाना, तुम्हें रोज रोज इतने प्रकार का खाना नहीं मिलता होगा ना। तुम समझती क्या हो अपने आप को, तुम्हारा निकम्मा पति अपने बाप के पैसों पर इतना इतराता है, अगर एक पैसा भी अपनी मेहनत का लाता ना तो मैं समझती। क्या बात है, क्या हो रहा है बहनों में? इस गरीब को तो मुझे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है। इसके कपड़े देखो, घर के नौकर भी इससे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, आखिर ये तुम्हारी बहन है। इसीलिए तो इतनी बड़ी पार्टी में मैंने इन्हें बुलाया है, वरना इनकी औकात कहाँ है हमारे जैसे लोगों के साथ उठने बैठने की। मीनल वहाँ से गुस्से में चली जाती है और घर जाकर रोने लगती है। क्या हुआ, तुम तो अपनी बहन की पार्टी में गई थी ना? मैंने कहा था ना मुझे उसकी पार्टी में नहीं जाना है, उसने और उसके पति ने फिर से हमारी बेइज्जती की। किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है, आखिर हम खुदगर्ज लोग हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मेहनत करके रोटी कमा कर खाते हैं। माना उनके जितना बड़ा घर नहीं है हमारा, लेकिन हम उनसे कहीं ज्यादा खुदगर्ज हैं। लेकिन मैं आपके साथ पूरी तरह से खुश हूँ, मैं आज के बाद कभी भी सोनाली के घर पर नहीं जाऊंगी। एक दिन रमेश अपने खिलौने का ठेला लेकर आ रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत गंभीर चोट आती है। मीनल के पास रमेश के इलाज के लिए पैसे नहीं होते। हाय राम, हमारी मदद करो, क्या हम गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमारी मदद करो प्रभु। तभी मीनल के आंसू रमेश के बनाए गए एरोप्लेन के खिलौने पर गिर जाते हैं। मीनल के आंसू पड़ते ही वो एरोप्लेन चमकने लगता है और देखते ही देखते सोने का बन जाता है। ये क्या है, अचानक से ये एरोप्लेन सोने का कैसे बन गया? मीनल और चमचमाती एरोप्लेन को बगल में रखकर अपने पति के स्वस्थ होने की दुआ मांगने लगती है। एरोप्लेन से चमत्कारी किरणें निकलने लगती हैं और मीनल का पति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन ये जादू कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगा कि कोई चमकती हुई जादुई शक्ति ने मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। तभी मीनल का ध्यान उस सोने के एरोप्लेन पर जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये एरोप्लेन कोई खिलौना नहीं बल्कि जादुई सोने का एरोप्लेन है, जिसकी वजह से उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। ये किसका खिलौना है, ये तो बहुत महंगा लगता है, जैसे सोने का बना हो। सही कहा आपने, ये कोई मामूली एरोप्लेन नहीं बल्कि जादुई एरोप्लेन है। जब मैं तुम्हारे स्वस्थ हो जाने की कामना कर रही थी ना, ये अचानक कहीं से मेरे सर पर आकर गिरा। हो न हो, जरूर इस जादुई एरोप्लेन का कमाल होगा। मीनल उस जादुई एरोप्लेन से खाना मांगती है। तभी अचानक सोने के जादुई एरोप्लेन से चमत्कारी किरणें निकलती हैं और वहां पर ढेर सारा खाना आ जाता है। दोनों ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये कैसा जादू है, मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। एरोप्लेन की मदद से हम जल्दी ही अमीर बन सकते हैं और उस सोनाली को मजा भी चखा सकते हैं। मीनल और जादुई एरोप्लेन से गाड़ी बंगला हीरे जवाहरात मांगते हैं
और पलक झपकते ही वहां सारी चीजें आ जाती हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दोनों गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। सोनाली को भी ये बात पता चलती है और वो मीनल का बंगला देखने आ जाती है। अब लग रही है तू मेरी बहन, तेरा बंगला मेरे बंगले से भी ज्यादा शानदार है। चमचमाती साड़ी तुझ पर बहुत जच रही है। अब क्यों आई है तू यहाँ? मैं तेरे जैसे रिश्तों को पैसों के मोल नहीं तोलती। चली जा यहाँ से। मैं तो बस यहाँ पर तेरा हाल चाल जानने आई थी। जा रही हूँ यहाँ से, फिर कभी इस चौखट पर कदम नहीं रखूंगी। सोनाली वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ? तुम तो अपनी दीदी के घर गई थी ना, कुछ पता चला? अचानक से उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? पैसा आते ही मीनल के रंग बदल गए हैं। उसने मुझे वहाँ बैठने तक नहीं बोला। बोलो मत, जब तुम अमीर हुआ करती थी तब मीनल से सीधे मुंह बात भी नहीं किया करती थी। मैं तो ये पता लगा कर रहूंगी, अचानक से रातों रात उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से सोनाली के पति का सारा धन बिक जाता है और वो रोड पर आ जाते हैं। सुरेश के निकम्मे होने के कारण उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। सुरेश और सोनाली रोड किनारे भीख मांगने लगते हैं। एक दिन रमेश और मीनल की नजर सोनाली और उसके पति सुरेश पर जाती है। मीनल दोनों को अपने बंगले पर ले जाती है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम लोगों की मदद करती। किस मुंह से मदद मांगने आती? मुझे जरा भी एहसास नहीं था गरीब होना कितना कष्टदायी होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने पैसों के घमंड में आपके दिल को बहुत दुखाया है। तुम चिंता मत करो, अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मेरे पति ने हमेशा मेहनत से पैसे कमाए हैं, इसीलिए ये सब धन उनकी सच्चाई और अच्छाई का परिणाम है। मीनल सोनाली और सुरेश को माफ कर देती है और सोने के जादुई एरोप्लेन से उनके लिए भी नया घर मांगती है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब से तुम दोनों इस घर में रहना। मैं तुम्हारा किन शब्दों में धन्यवाद करूं? तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमेशा अपने से नीचे वर्ग वाले लोगों की इज्जत करो और हर संभव समय में उनकी मदद करने का प्रयास करो। मीनल और सोनाली के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। आशा अपनी बहू निशा के साथ रहा करती थी। आशा बहुत गरीब थी और बड़ी ही मुश्किलों से उसके बेटे अशोक की नौकरी लगी थी, जिस वजह से वो शहर में था और आशा अपनी बहू के साथ गांव में अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। अशोक को गए अभी कुछ ही दिन हुए थे। घर में जो पैसे थे वो सारे आशा ने अशोक को दे दिए थे ताकि वो शहर में जा सके। मानसून का मौसम था और घर में राशन का एक दाना भी नहीं था, जिसके बाद आशा एक दिन अपनी बहू निशा से बोलती है। बहू, घर में राशन का एक दाना नहीं है और अशोक को गए हुए अभी 2 से 3 दिन हुए हैं। ना जाने इसकी सैलरी कब तक आएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम दोनों सास बहू भूखी ही मर जाएंगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जब तक अशोक की सैलरी नहीं आ जाती तब तक हम दोनों मिलकर कुछ काम कर लें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, वैसे भी मानसून का मौसम आ रहा है, भारी वर्षा हो सकती है और अगर बारिश शुरू हो गई तो घर से निकलना बंद हो जाएगा। ऐसे में हम किसी से मदद भी नहीं ले पाएंगे, इससे तो अच्छा है कि हम कुछ काम कर लें। इतना बोलकर दोनों सास बहू काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन उन्हें अपने गाँव में कोई काम नहीं मिलता, जिसके बाद आशा और निशा नदी पार करके पास वाले गांव में जाती है, जहां आशा को फैक्ट्री में तो निशा को एक कोठी में काम करने की जगह मिल जाती है। माँ जी, एक कोठी में मुझे काम मिल गया है, बहुत बड़ी कोठी है, पर मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि उस गांव में जाने के लिए हमें नदी पार करनी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, मुझे भी उसी गाँव की फैक्ट्री में काम मिल गया है। फैक्ट्री भी दूर है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना सुबह हम दोनों एक साथ जाएंगे और शाम को आते समय मैं तुझे नदी के पास मिल जाऊंगी, वहाँ से हम दोनों एक साथ मिलकर घर आ जाया करेंगे। आप सही बोल रहे हैं माँ जी। अच्छा माँ जी, घर में थोड़े से आटे बचे हैं, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज मैं इसी की रोटी बना लूँ और हम दोनों प्याज रोटी खाकर सो जाए। कल से जब मैं कोठी में काम करने जाया करूँगी तो वहाँ से आते हुए कोठी में जो भी खाना बचा करेगा वो घर ले आया करूँगी।
अब इसी तरह से आशा सुबह उठकर फैक्ट्री के लिए चली जाती है, तो वही निशा भी नदी पार करके कोठी में काम करने के लिए चली जाती है। और रात को जब काम करके आती है तो कोठी से ही बचा हुआ खाना लेकर आ जाया करती है, जिसे खाकर दोनों सास बहू अपना पेट भर लिया करती है। ऐसे ही एक रात आशा और निशा सो रही होती है, तभी उन दोनों के मुंह पर पानी की कुछ बूंदे गिरती है और आशा की आंखें खुल जाती है। बहू, मुझे लगता है बारिश हो रही है, और देख हमारे घर की छत टूटी हुई है जिस वजह से बारिश का पानी हमारे घर में आ रहा है। निशा उठकर बाहर जाती है और वो देखती है कि बाहर काफी तेज की आंधी और तूफान चल रही है, और साथ ही बिजलियां भी कड़क रही है और बहुत ही जोरों से बारिश भी हो रही है। बारिश को देख निशा घर में आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी बाहर आज बहुत वर्षा हो रही है, अगर इसी तरह तेज बारिश होती रही तो नदी का पानी भर जाएगा, और उस नदी पर जो पुल है वो लकड़ी का बना है, मुझे तो डर लग रहा है अगर वो लकड़ी का पुल टूट गया तो हम काम पर कैसे जाएंगे माँ जी। निशा अपनी सास से बात कर ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी छत बहुत ज्यादा टपक रही है, जिसके बाद निशा घर का कुछ जरूरी सामान एक खाट पर रख देती है और जहाँ जहाँ से छत टपक रही होती है वहाँ वहाँ बर्तन लगाकर बारिश के पानी को जमा करने लगती है। इसी तरह से दोनों सास बहू पूरी रात एक कोने में बैठी होती है और बारिश के रुकने का इंतजार कर रही होती है। सुबह होते ही बारिश बंद हो जाती है और वो दोनों काम पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। जैसे ही घर से वो निकलती है वैसे ही उषा नाम की एक औरत दोनों के पास आती है और उनसे बोलती है, अरे आशा बहन और निशा बहू, तुम दोनों ऐसे मौसम में कहाँ चली? बहन, हम दोनों अपने अपने काम पर जा रहे हैं। अरे उषा बहन, कुछ दिनों के लिए घर में ही रहो, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पता चला है कि अपने गांव में भी कुछ दिनों तक लगातार बारिश होगी और आंधी तूफान भी चलेगी, हो सके तो गांव में भी बाढ़ आ सकती है या फिर बवंडर, इसलिए घर में ही रहो। उषा आंटी जी, हमें कुछ नहीं होगा, और जैसे हमें लगेगा कि मौसम खराब हो रहा है हम घर वापस आ जाएंगे, अभी भूखे मरने से तो अच्छा है कि मैं बाहर जाकर कुछ काम कर लूं, ताकि ऐसे मौसम में अगर हम दोनों सास बहू को घर में रहना पड़े तो खाने के लिए कुछ तो हो। इतना बोलकर आशा और निशा अपने अपने काम पर निकल जाती है। आशा फैक्ट्री में काम कर रही होती है कि तेज वर्षा होने लगती है, जिस वजह से फैक्ट्री का मालिक सबसे बोलता है, आप सभी लोग जल्दी से अपने अपने घर जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है, अभी न्यूज आई है और सरकार की भी सबसे अपील है कि सब अपने घर में ही रहें। इतना बोलकर फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री बंद कर देता है, जिसके बाद आशा भीगती हुई नदी के पास जाती है और अपनी बहू का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर बाद उसकी बहू निशा भी वहाँ आ जाती है और अपने सास से बोलती है, माँ जी आप इतनी बारिश में रुकी क्यों रही है? बहू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, चल अच्छा हुआ कि तू आ गई, अब चल जल्दी घर चलते हैं, सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये भी कहा है कि बहुत जगह पे बाढ़ आ चुकी है, सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि सभी अपने घर में रहें। हाँ माँ जी मैं जानती हूँ, तभी तो आज मैं भी जल्दी आ गई। इतना बोलकर जैसे तैसे दोनों सास बहू भीगती हुई नदी को पार करके गांव में पहुंचती है और अपने घर जाती है। वह दोनों जब अपने घर जाती है तो देखती है कि बारिश का पानी पूरे घर में भरा पड़ा है और सारा सामान पानी में तैर रहा है। ये देख निशा अपनी सास से बोलती है, माँ जी बारिश का पानी तो घर में भर चुका है, अब हम दोनों कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, सारा घर पानी में तैर रहा है। बहू, सबसे पहले तो घर की जो भी जरूरी चीजें हैं उन्हें खाट पे रख दे, अभी पानी ज्यादा नहीं भरा है, क्या पता बारिश रुक जाए। इतना बोलकर वो दोनों घर के कुछ जरूरी सामान लेकर खाट के ऊपर बैठ जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे घर का पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तेज आंधी तूफान चलने की वजह से उनकी घर की छत भी उड़ जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर जाती है। गाँव में अब बाढ़ आ चुकी थी, कई लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके थे, कितने ही लोग बाढ़ के पानी में बह चुके थे, किसी का सामान बाढ़ के पानी में बह रहा था तो कोई इंसान बाढ़ के पानी में बह रहा था, ना जाने कितने ही लोग अपने बच्चों को कंधे पर लिए इधर उधर भटक रहे थे, उन्हीं में से थी आशा और निशा। देखते ही देखते बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आशा को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आशा को तैरना नहीं आता था, इस वजह से वो पानी में डूबने लगती है। अपनी सास को पानी में डूबता देख
वो जल्दी से अपनी सास को पकड़ती है और लोगों से मदद की गुहार लगाती है। कोई है हमारी मदद करो, मेरी सास की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, कोई हमारी मदद करो। इस तरह से निशा अपनी सास को पकड़कर बाढ़ के पानी से लड़ रही होती है, लेकिन अब वो भी हिम्मत हार चुकी थी। देखते ही देखते उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। तभी एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है और कुछ देर बाद निशा और आशा की आंखें खुलती है। जब उन दोनों की आंखें खुलती है तो वो दोनों खुद को एक कैंप में पाते हैं, जहाँ एक आर्मी ऑफिसर उन दोनों से बोलता है, मैडम आप दोनों ठीक तो है ना? जब आप दोनों को पता था कि बाढ़ आप दोनों के गांव में आ चुकी है, तो आप दोनों बाकी लोगों के साथ एक जगह पर क्यों नहीं गई? हमारी रेस्क्यू टीम अगर सही समय पर नहीं आती तो आप दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठती। इतना बोलकर वो आर्मी ऑफिसर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद निशा और आशा कैंप से बाहर निकलती है, जहां वो दोनों देखती है कि उनके ही जैसे ना जाने कितने गरीब लोग हैं, जो बाढ़ की चपेट में आ चुके थे और रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचाया था।